देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुशीनगर जनपद के पटरौना नगर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पुलिस ने कुछ लोगों को बीच रोड पर बर्बरता से पीटा। मामला था नगर पालिका के द्वारा कराए जा रहे एक निर्माण से सभासदों की नाराजगी को लेकर, जो कि अपनी मांगों को लेकर रोड जाम कर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ धरना दे रहे थे, जहां धरने पर बैठे सभासदों की वजह से बीच सड़क से आम जनता के बीच कड़ी धूप में लोगों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सभासदों के साथ स्थानीय लोगों को आते ही निर्ममता से पीटना शुरू कर दिया। पटरौना कोतवाली पुलिस की निर्ममता की पिटाई की हद इतनी बढ़ गई कि कई आम लोगों को भी पुलिस ने जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा। आपको बता दें कि ये पिटाई नगर पालिका के द्वारा हो रहे अवैध तरीके से नाला निर्माण रोकने को लेकर विरोध प्रदर्शन करने उतरे थे सभासद के ऊपर फूटे पुलिस के गुस्से का था, जिसकी तपिश के घेरे में आम जनता भी पड़ गई। पुलिस ने ये कार्रवाई पटरौना नगर के मेन एंट्री पॉइंट कटकुइया मोड़ पर धरने पर बैठे लोगों को हटाने के लिए की, जिस वजह से घंटों रोड जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिस वजह से पुलिस बर्बरता दिखाते हुए इंसानियत तक भूल गई और आम जनता के साथ जमकर धरने पर बैठे सभासदों और ग्रामीणों को इस प्रदर्शन का शिकार बना दिया। फिलहाल इस बर्बरता पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस को इस स्थिति में शांतिपूर्वक भी समझा बुझाकर धरने को खत्म करवाया जा सकता था, लेकिन पुलिस लाठी डंडों का दम दिखाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे सभासदों के आवाज को दबाने का प्रयास किसके इशारे पर किया गया। फिलहाल इस धरने ने नगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार की बात को सामने लाकर रख दिया है, जो जांच के बाद साफ हो जाएगा कि सभासदों की बातों में कितनी सच्चाई है। कुशीनगर से प्रदीप यादव की रिपोर्ट, ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।